मैं यति वर्य कुमार विदय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आज के दिन का 7 मई 2020 गुरुवार के दिन का पंचांग और राशिफल वीडियो में बताऊंगा। आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले देखते हैं कि आज के दिन का पंचांग क्या है। आज दिनांक 7 मई 2020 गुरुवार का दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम 4:14 तक रहेगी। फिर ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। स्वाति नक्षत्र दिन में 11:08 तक रहेगा और फिर विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा मध्य रात्रि 3:14 तक तुला राशि में रहेगा, फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। आज का राहुकाल दोपहर 2:14 से 3:54 तक रहेगा। आज गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शुद्ध रहता है, इसलिए अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो दक्षिण दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा। आज सूर्योदय सुबह 5:56 से 56 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:13 पर होगा। आज वैशाखी पूर्णिमा है, कुर्म जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। अब देखते हैं कि आज जिनका जन्मदिन है और जिनकी आज शादी की सालग्रह है वह आज के दिन क्या करे जिससे कि आने वाला जो साल है वह शुभ बीते। तो जिनका जन्मदिन है उनको सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। जिनका जन्मदिन है वो आज गुरुवार के दिन अपने आचार्यों या गुरु साधु भगवंतों को मानसिक रूप से प्रणाम करें और अपने सुखी भविष्य के आशीर्वाद की कामना मन से करें तो आने वाला जो साल है पूरा बहुत अच्छा सुख शांति से बीत जाएगा। अब बात करते हैं जिनकी शादी की सालग्रह है वो क्या करें। तो जिनकी शादी की सालग्रह है उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। आज आपकी शादी की सालग्रह है तो आप अपने घर के आंगन में या फिर किसी एक कमरे में उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाकर रखें और तेज खुशबूदार अगरबत्ती करें और फिर दोनों पति पत्नी साथ में बैठकर वहां पर हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों से अपने सुखी गृहस्थ जीवन की प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। तो आपका जो गृहस्थ जीवन है, प्रेम का जीवन है, वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, प्रेम का जीवन है, वह बहुत अच्छा साल भर बीतेगा। अब बात करते हैं, देखते हैं कि आज का दिन 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। मैंने अपने चैनल पर आप सभी की 12 राशि की अलग अलग संपूर्ण जानकारी वाले वीडियो पोस्ट किए हैं। आप मेरे चैनल पर यति ज्योतिष नाम के फोल्डर में जाकर अपने राशि का संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आज का दिन 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है। खास करके आज आप अपने जीवन साथी को खुश रखने का प्रयास में रहेंगे और अगर सुविधा हो तो आज आप कोई खास उपहार भी दें तो और प्रेम प्यार में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज के दिन आपका जो प्रेमी है या प्रेमिका है आपकी, उनसे कोई ना कोई किसी भी प्रकार से संपर्क बढ़ेगा और दोनों का जो आपसी प्रेम विश्वास है वह भी बढ़ेगा। आज आपके 7वें जीवन साथी स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है, यह आपके लिए शुभ फल देने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छे और बुरे फल प्रदान करने वाला ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सावधानी से काम करेंगे तो हानि से बच जाएंगे और जरूरी काम भी आप बना सकते हैं। आपको समय पर मदद की जरूरत रहेगी, लेकिन आज के दिन 6 स्थान में चंद्रमा गोचर होने के कारण आपको किसी से भी मदद मिले ऐसी कम संभावना बनी हुई है। जो भी आप करेंगे अपने
बलबूते पर करेंगे या अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार काम करेंगे तो ही वह काम आपका बनेगा। आज किसी से रन लेना ठीक नहीं है। छठे स्थान का चंद्रमा है, आपको मिले जुले फल देगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है। समय वैसे तो आपके लिए अब तेजी से अच्छा होता जा रहा है और बदलता जा रहा है। हालांकि अभी जो है आपके लिए पांचवें स्थान में आज के दिन चंद्रमा गोचर कर रहा है। यह संतान और शिक्षा स्थान का है, इसलिए यह आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। आप अगर परीक्षा में प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। बाकी संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार मिले ऐसा योग बन रहा है। संतान के साथ आपकी निकटता बढ़ेगी। जल्दी ही घर में कोई मेहमान आने की भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। कार्य बढ़ेगा, लाभ तो स्वतः ही आज के दिन आपके दरवाजे पर चलकर आएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, कोई विशेष तो नहीं है। हालांकि कोई नई वस्तु अपने ऐश और आराम की खरीदना चाहे तो खरीदने का काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसलिए आज के दिन आप घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही रहे। आज के दिन क्या, जब तक लॉकडाउन है तब तक आप बाहर ना निकले। अभी चौथे स्थान का चंद्रमा है, यह कलेशकारी है और कलंक लगवाने वाला भी है, तो कहीं आप किसी समस्या में ना फंस जाए। ध्यान रखें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ और लाभदायक है। कुछ प्रेरणादायक घटना आपके जीवन में अब घटने वाली है, ऐसा ग्रह जो योग बना रहे हैं ऐसा संकेत मिल रहा है, जिसका लाभ आप उठाना चाहे तो समय को देखकर उठा सकते हैं। आपको नया काम आज शुरू करने पर वह भविष्य में अच्छा लाभ देगा। नए मित्र अथवा लोगों से परिचय होगा। यात्रा का योग भी बन रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, रेलें बंद है, बसें बंद है, हवाई जहाज बंद है और बाहर अपना वाहन ले जाना भी बंद है, इसलिए आज के दिन यात्रा का योग भले ही हो लेकिन आज की यात्रा बाद के लिए कभी के लिए टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज आपके तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है। यह चंद्रमा आपके जीवन में बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि अब आपका पराक्रम और आपके प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ेगा और इसका लाभ आपको आगे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए समय में धीरे धीरे करते करते सुधार हो रहा है। जैसे ही आप किसी नए काम को आज करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वह काम आप अगर चाहे तो शुरू कर सकते हैं, या दो दिन बाद में भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। आज आपको कहीं दूर दराज से कोई मिलने के लिए आ सकता है या फिर कोई शुभ संदेश मिल सकता है। आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिले ऐसा योग भी बना हुआ है, इसलिए आज के दिन आपका जो भी है काम वह छोटे रूप में ही करें, लेकिन इसका लाभ जरूर आपको मिल जाएगा। आज आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है, इसका शुभ फल आपको मिल रहा है और मिल जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन इस पूरे महीने का सबसे अच्छा दिन है और वैसे भी काफी समय से ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में शुभ फल दे रहे हैं। हालांकि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है और कर रहा है, आप घर में बैठे हैं, यह सब कोई ज्यादा शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो समय है घर में अच्छे से बिना कलेश के, बिना कंटक के या बिना हानि के गुजर रहा है, यह भी आपके लिए शुभ है। निजी हित का काम आप जो भी आज के दिन करेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक माहौल आपके लिए सुखद और खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आज आपके राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है और जब राशि में चंद्रमा गोचर करता है तो शुभ फल प्रदान करता है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य से थोड़ा सा कम है, इसलिए आज जो भी आप काम करें सोच समझ कर करें और बिना किसी परिवार की सलाह के अगर कोई काम किया या निर्णय लिया तो आज यह ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। इसका जो दूरगामी बुरा प्रभाव है वह आपको आगे तक भुगतना पड़ सकता है, इसलिए जहां तक हो सके आप कल तक निर्णय टाल दें, जब तक आपकी राशि में चंद्रमा नहीं आ जाए या फिर किसी की परिवार वालों की सलाह मशवरा करने के बाद में अगर आप
निर्णय लेंगे तो उसका हानि जो है वह आपको नहीं उठानी पड़ेगी। आज आपके कुंडली में, आपकी राशि में 12वें स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है, और जब 12वें स्थान में चंद्रमा गोचर करता है तो यह खर्च बढ़ाने वाला और अर्थ हानि या चिंता बढ़ाने वाला होता है। आज आपके साथ भी ऐसा ही कुछ समय बीतेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक है, और किसी नए कारोबार अथवा स्कीम में आज इन्वेस्ट करें और करें, आगे जरूर इसका लाभ मिलेगा। पारिवारिक और आर्थिक लाभ भी आपको होगा। कार्यों में रुकावट दूर होगी, सफलता आपके पास स्वयं आएगी। कमीशन के काम से आज के दिन आपको लाभ मिलेगा। हालांकि अभी कमीशन आदि आप घर से ही फोन पर बैठे बैठे काम करेंगे तो वह लाभ मिल जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ इस समय में आपको मिले ऐसा थोड़ा शंका है। हालांकि आज पूरा दिन आपके लिए किसी न किसी कार्य में सफलता का और लाभ का बीतने वाला है। आपके 11वें लाभ स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है, यह चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा शुभ फल दे रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके जो काम है वह काम आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें, भले ही अभी आप घर में बैठे हो, लेकिन उनको इस प्रकार से धीरे धीरे घर बैठकर भी आप आगे बढ़ाएं ताकि जब लॉकडाउन खुल जाए तो वह आज का किया हुआ काम आपको उस समय में धन लाभ के रूप में या और सफलता के रूप में फल देवे। पारिवारिक माहौल में बातचीत का अच्छा दौर चलने से खुशियां में बढ़ोतरी होगी। आज आपके 10वें कर्म स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है, और यह चंद्रमा आपके लिए अच्छा फल दे रहा है। हालांकि इस समय में आपकी राशि में राशि का स्वामी भी बैठा हुआ है, गुरु भी है, तो यह सब जो स्थितियां हैं वह धीरे धीरे लाभ देने वाली है। इसलिए आप चिंता ना करें, फिक्र ना करें, लाभ आपका जो है वह आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार है। आपको अपने लोगों का साथ और समर्थन मिलने से कोई बड़ा काम सिद्ध हो सकता है। आज आपके रुके अटके सभी काम आप शुरू कर दें, जल्दी ही वह आपके पूरे भी हो जाएंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। आज आपके धन लाभ होने का योग बना हुआ है। आज आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में रहेगी। ज्योतिष है, गुड रेशियो वाले जो विषय होते हैं, ज्योतिष है, वास्तु है, जीवन है, मृत्यु है, आध्यात्म है, इस प्रकार के कार्यों में आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। पठन पाठन में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। तो आज आपका जो चंद्रमा है वह आपके 9वें भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। आपको कभी कभी दिन में या किसी एक काम में, दो काम में ऐसा भी लगेगा कि पीछे से आपको कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जो है वह सहयोग कर रही है। आज आपके 9वें भाग्य स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है, यह आपके लिए अच्छा फल दे रहा है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष पक्ष का नहीं है, बहुत ही साधारण कार्यों से भी आपको तकलीफ या रुकावट आ सकती है। किसी तरह से आज आप अपने मन और वाणी दोनों को संयम में रखें। स्वास्थ्य की तरफ से भी आप थोड़ा सावधान रहें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। यात्रा को संभवतया 2 दिन के लिए टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज आपके 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है, और जब मृत्यु स्थान में चंद्रमा गोचर करता है तो यह हर काम उल्टा करता है, काम रुकावट करवा देता है, धन हानि करवा देता है, स्वास्थ्य में नुकसान करवा देता है, लड़ाई झगड़ा कलेश चोट लगना आदि ये सब कुछ 8वें स्थान में चंद्रमा गोचर करने से होता है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इनमें से कोई एक आदि चीज आपको लागू हो जाए और आप खामखाई परेशान हो जाए। यह था आज के वीडियो में आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल। राशिफल के साथ ही मैंने आपको आज जिनका जन्मदिन है और जिनका आज शादी का सालगिरह है उनके विषय में वो क्या करें आज के दिन यह जानकारी दी, ताकि उनका साल जो आने वाला है वह शुभ बीते। कल फिर मैं नए वीडियो में नए पंचांग, नए राशिफल और नई जानकारी के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक जय जिनेन्द्र।